अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम एक प्रूफ करने वाले हैं तो प्रूफ आपके सामने है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है टू क्रॉस टू थ्री क्रॉस थ्री फोर क्रॉस फोर देन प्रूव दैट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू द स्क्वायर मैट्रिक्स ए तो हमने ये प्रूफ करना होता है कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उनका सम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होगा ये एक छोटा सा प्रूव है बट इट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी यू हैव टू लुक एट इट हम इसको कैसे करेंगे हम लेट करते हैं सबसे पहले लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छा ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इट्स मीन के हम ए को ऐसे लिख सकते हैं आ, इसको हम हाफ ऑफ करके लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए वन ए है तो इसको हाफ ए प्लस हाफ ए लिख सकते हैं ठीक है लेकिन अगर इसके अंदर हम साथ ये भी कर दें कि हम हाफ चूंकि हमारा सिमेट्रिक और स्क्यूसमेट्रिक का है तो उसके अंदर ट्रांसपोज इस्तेमाल होता है तो हम अगर इसके अंदर हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस भी कर दें और हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस भी कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना प्लस किया उतना माइनस किया और ए को हम हाफ ए हाफ ए लिख सकते हैं ठीक है अब इसके बाद हमने क्या करना है हम इसको थोड़ा सा इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं के हाफ़ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इसको लदा कर लेते हैं और दूसरी जो दो वैल्यूज़ हैं हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज नेगेटिव वाली वैल्यू इसके साथ अरेंज करती हैं अब यहाँ पे हम लेट करते हैं यहाँ पे हम लेट करते हैं कि ये बी मैट्रिक्स है लेट सपोज के ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इसको हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है और ये तो ए ही है ठीक है तो हमने अब इसके बाद हमने प्रूव करना है कि हम इसको कैसे करेंगे ये जो है इसको हमने बी कह दिया और इसको डी कह दिया अब सेपरेट सेपरेट लेकर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स पर लेते हैं बी विच इज इक्वल टू अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम इसका दोनों तरफ दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन बैलेंस रहेगी बी का भी ट्रांसपोज ले लिया और साथ होल साइड का ट्रांसपोज इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ एज इट इज और हमारे पास जब हम इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ए जो है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर इसके बाद अगर हम हमें पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ए ए को पहले लिख लें और ए ट्रांसपोज को बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे ही रहेगा हाफ इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज अब हमने इसको प्रीवियसली इसको हमने कहा था कि ये बी है वन ओवर टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ बी हमने ये कहा था ठीक है अब ये बिल्कुल वही सेम फिगर आ गई है बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू वन ओवर टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका मतलब क्या हुआ कि बी का जो ट्रांसपोज है बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है एग्जैक्टली ठीक है अब जब उसके इक्वल है तो हैंस इज़ बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक क्योंकि वही मैट्रिक सिमेट्रिक होती है वही मैट्रिक सिमेट्रिक होती है जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो ठीक है तो एक चीज़ आ गई हमारे पास उसके प्रूफ के अंदर और सेकेंड जो हमने कहा था सेकेंडली हम कह रहे थे कि जो डी है डी है हमारे पास वो ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो अब हम डी के ऊपर टेस्ट लगाकर देखते हैं कि उसका क्या बनता है नो वी वर हैविंग डी इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज अब इसका भी हम सेम एज इट इज दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स डी टी वन ओवर टू इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो डी ट्रांसपोज विल कम एज इट इज इसका ट्रांसपोज जब ओपन करेंगे तो हाफ एज इट इज रहेगा ए का हमारे पास हो जाएगा ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू ए ट्रांसपोज माइनस अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए हो जाएगा ठीक है अब यहां थोड़ी सी टेक्निक हमने ये लगानी है कि हम इसका भी साइन चेंज कर देंगे साथ इसका भी मतलब एक साइन हम यहां ले रहे हैं ठीक है और इसका इसका अंदर का साइन चेंज करेंगे तो ए ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा ठीक है अब अगर हम देखें तो माइनस वन ओवर टू इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज जो था वन ओवर टू हमारे पास अगर हम प्रीवियसली देखें तो हमने ये लेट किया था कि ये जो वन ओवर टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी है ये हमने लेट किया था ठीक है अब हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ माइनस वन ओवर टू ए माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है मतलब जो हमारे पास डी मैट्रिक्स थी डी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया दोनों तरफ उसका नेगेटिव आ गया ठीक है यानी हम ये लिख सकते हैं डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी तो अब जब यह आया तो यह प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की है कि जब एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसके नेगेटिव में आए तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक. हेंस इज स्क्यूसमेट्रिक स्क्यूसमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जो हमने रिक्वायरमेंट लिखी थी हमने कहा था कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सीमेट्रिक को ऐड करें तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होता है ये हमने कहा था तो अभी हमने यही प्रूफ किया कि यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स थी ये सिमेट्रिक थी और यहाँ पे इसके अंदर हमने ये प्रूफ किया है कि ये जो डी मैट्रिक्स हमने लर्ट की थी ये स्क्यूस स्क्यूसमेट्रिक है Symetric और स्क्यूस स्क्यूसमेट्रिक को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था और ऐड करके वो एक ए की स्क्वायर मैट्रिक्स हो रही थी विच मीन्स सम ऑफ सिमेट्रिक सीमेट्रिक एंड स्क्यू metric is equal to is equal to a square matrix is equal to a square matrix as example a is equal to B plus d so miday you understand about this आप इसको सीखिएगा लर्न कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़